आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के नियंत्रण, आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी, अवैध शराब की रोकथाम के लिए जिलों में की गई कार्रवाई तथा आगामी पर्व एवं त्योहारों के संबंध में की चर्चा, आगामी त्योहार और पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के दिए निर्देश। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब 2015 के आधार पर बनेगी पंचायत चुनाव के आरक्षण की नई सूची। 19 को जारी होगी अंतरिम सूची, 20 और 21 को दर्ज हो सकेगी आपत्तियां। निस्तारण के बाद 26 मार्च को जारी होगी आरक्षण की नई सूची। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मीडिया से हुए रूबरू, कहा कि पंचायत चुनाव और विधानसभा में पार्टी उतारेगी अपने प्रत्याशी, बनेगी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार। आरक्षण की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन देने पहुंचे निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरन डीएम कार्यालय में घुसने का किया प्रयास। डीएम को ज्ञापन देने पर अड़े कार्यकर्ता, मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने आक्रोशित कार्यकर्ता को हिरासत में लेकर भेजा पुलिस लाइन। प्रदेश की योगी सरकार को 4 साल पूरा होने पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता राजघाट स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर करेंगे दीप उत्सव, सरकार की उपलब्धियों को रखेंगे जनता के बीच, वाहिनी के प्रदेश महामंत्री ने दी जानकारी। शासन के निर्देश पर कलेक्ट्रेट स्थित एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किया गया और अधिक सक्रिय, सीएमओ ने कहा 19 मार्च से बढ़ाई गई कर्मचारियों की संख्या। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज सिंह ने पंचायत चुनाव के नए आरक्षण के संबंध में अधिकारियों के साथ की चर्चा, पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कोरोना गाइडलाइन का करे फॉलो, सावधानी ही है कोरोना से बचाव। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई विशेष किशोर पुलिस इकाई व एएचटीयू की मासिक समीक्षा बैठक, बच्चों की सुरक्षा पर हुई चर्चा, मेधावी छात्रा को दिया गया साइकिल। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिले 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,518। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 35 रह गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। आयकर कर्मचारी महासंघ के नए कार्यकारिणी के चुनाव में अध्यक्ष पद पर महिला प्रत्याशी कमलावती यादव ने लहराया जीत का परचम, शैलेंद्र गुप्ता चुने गए सचिव। और सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के तत्वावधान में 2 दिवसीय एडवोकेट क्रिकेट लीग मैच का शनिवार को होगा आगाज, एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे ने दी जानकारी।